नमस्कार, एग्री कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 11 अगस्त बुधवार, कल के सेशन की बात करें तो कल पूरे ही एग्री पैक के अंदर हमने गिरावट भरा दिन देखा। खाली सोया रिफाइन और सीपीओ में हमने देखा मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई दिखाई दी। इंटरनेशनल के अंदर भी हमने देखा कि 11 तारीख को आज एमपीओबी के भी अपडेट आने हैं और यूएसडी के भी अपडेट आने हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत क्लैरिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। बट ओवरऑल हमने देखा एडिबल ऑयल पैक के अंदर जिस दिन से गवर्नमेंट ने जीएम सोया को इंपोर्ट की हरी झंडी दी, उसके बाद कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे हमें लगता है कि मार्केट में फिर से बाइंग लौटते हुए देखने मिल जाएगी, क्योंकि अब तक जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी इम्पोर्ट्स को लेकर वो अब क्लियर हो चुका है, जिसके चलते हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगले 2-3 सेशन तक पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं सबसे पहले अगर हम सोयाबीन की बात करें तो काफी बड़ी गिरावट हमने 10,600 से 7,600 का लेवल देखा है। टेक्निकली अगर 7,550 का लेवल ब्रीच होता है तो 7,300 तक का भी लेवल देख पाए, बट ओवरसोल्ड हम बोल सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे है, जिसकी वजह से मार्केट में एक बाउंस मिल सकता है, बट वॉलिटी कंटिन्यू बनी हुई रहेगी। सोयाबीन में जो रेंज रहेगा वो 7,300 से लेकर 7,900 का रेंज रहना चाहिए, ट्रेड अवॉइड कीजिए। रिफाइंड सोया ऑयल में 1340 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो 1365 से 1370 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड में भी कल की गिरावट के बाद आज कहीं ना कहीं लो लेवल पे बाइंग रहेगी, बट ध्यान रखिए जब तक 7700 का लेवल ब्रीच नहीं करता है मार्केट 7500 से 7700 के बीच में ट्रेड करेंगे। कैस्टर के अंदर भी लगता है कि प्राइजेस में एक बाउंस रहेगा, जो 5750-5800 तक का लेवल आज के सेशन में देखने मिल जाएगा। मसालों में पिछले 2-3 दिनों में हमने गिरावट आती हुई देखी, जो आज कहीं ना कहीं थमते हुए दिखाई देगी। हल्दी में हमने पहले भी कहा था कि 7100 से 7550 का दायरा, इसी दायरे में ट्रेड करेंगे। जीरे में कल की गिरावट के बाद आज लोअर लेवल पे बाइंग लौटते हुए दिखाई दे सकती है, जो कहीं ना कहीं सितंबर वायदे को 13600 तक का लेवल दिखा सकता है। धनिया में 2-3 दिन की गिरावट के बाद आज मार्केट थमता हुआ दिखाई देगा, बट 7000 से 7400 का जो ब्रॉडर रेंज है इसी रेंज में धनिया ट्रेड करेगा। जीरे के अंदर कल भी हमने 1% की गिरावट आती हुई देखी, आज भी अगर हम बात करें सितंबर वायदा तो 5000 के लेवल के करीब जाने के बाद एक बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी, जो 5080 तक का लेवल दिखा सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक में कल लोअर लेवल से रिकवरी काफी स्ट्रांग आती हुई दिखाई दी, मेजर तेजी के लिए 3020 का लेवल तोड़ता हुआ दिखना चाहिए, 3020 के ऊपर ही मार्केट एक बड़ी तेजी कर पाएगा। वहीं अगर हम गवार सीड गवार गम की बात करें तो फ्रेश सेलिंग के चलते कल हमने गिरावट आती हुई देखी हायर लेवल से। आज के सेशन की अगर हम बात करें तो मार्केट एक मिला जुला ट्रेड करेगा, बट लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म इंटैक्ट अभी भी रहेगा, तो आज अगर गिरावट मिलती है उस गिरावट पे हम फिर से बाइंग करते हुए कर पाएंगे। 4650 तक का लेवल गवार सीड में और 7550 तक का लेवल हम गवार गम में देखेंगे। वहीं अगर मेंथा की बात करें तो मेंथा में कल हमने एकाएक वापस गिरावट बढ़ती हुई देखी है, एज ऑफ नाउ प्राइजेस 940 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर दबाव रहेगा, जो 920 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। सीपीओ में 1120 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, जो 1140 से 1156 तक का लेवल दिखा सकता है। कॉटन में कल की गिरावट के बाद आज लोअर लेवल से बाइंग लौटेगी, इंटरनेशनल में हमने प्राइजेस को करीबन 92 सेंट के ऊपर निकलते हुए देखा है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट देता है, तो आज 26,500 के लिए लेके ट्रेड कीजिए। वहीं अगर चार्टी के लिए देखें तो गवार के अंदर एक कप एंड हैंडल पैटर्न वीकली चार्ट पे बना है, जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स काफी स्ट्रांग दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ऊपर में 5600 तक के भी लेवल लॉन्ग टर्म में दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट ओवरबॉट है। धनिया में भी लॉन्ग टर्म टारगेट 7500 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो 7900 का लेवल तोड़ सकता है। सोयाबीन के अंदर ट्रेंड रिवर्सल का साइन हमें मिल चुका था, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर एक थोड़ी बहुत गिरावट जरूर है, बट वॉलिटी कंटिन्यू बनी रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।